ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज का जो जपा सेशन है, हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे जिंदगी में जपा ही सॉल्यूशन है। जपा इज द ओनली सॉल्यूशन इन आवर लाइफ। एंड व्हाट आर द 8 चैलेंजेस वी फेस ड्यूरिंग दिस जपा? द टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी मच सिंपल एंड वी ऑल ऑफ अस नोस, बट जस्ट ये एक बार डिस्कशन करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर 8 प्रकार के चैलेंजेस के बारे में बताते हैं जो हमें जपा करते समय फेस करना पड़ता है। हम लोग सब ये भौतिक संसार में इतना मिलजुल गए हैं, इतना घुल गए हैं, और हमें एक आदत पड़ गई कि एक हमें गिव अप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई है। तो हमें जब तो क्या हुआ, जब हम लोग ये मेटेरियल वर्ल्ड में, ये संसार में इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वहां से भाग के हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर वी कैन स्टे। तो हम उसको गिव अप करके हम क्या कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जो ये गिव अप करने की टेंडेंसी है, इट इज कैरी फॉरवर्ड। ऐसे नहीं कि खाली मेटेरियल लाइफ में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द बेस्ट एंड इजिएस्ट वे। तो अगर वहां से आके हम क्या करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, वहां पे भी हमें गिव अप करने की प्रोपेंसिटी आ जाती है, मतलब हमारा आदत में है। तो अभी हमने जो भगवान की नाम का शरण लिया है, हमने जो जपा का शरण लिया है, वहां पे अगर हमें कुछ डिफिकल्टी होती है, हमें रुचि नहीं होती है, तो हमें भी वहां पे गिव अप करने की टेंडेंसी की वजह से हम उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो द मोमेंट वी फेस सम ऑफ द चैलेंजेस इन आवर लाइफ, द फर्स्ट एक्शन व्हाट वी डू इज वी नॉर्मली डू अ गिव अप। हम स्किप करने की कोशिश करते हैं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म। सो वी कीप ऑन चेंजिंग आवर इंटेंशन एंड गिव अप करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, सपोज हम कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी उसमें क्या होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो द बेस्ट थिंग इज लाइक फर्स्ट आवर हैंड गोज टू द एस्केप बटन। एक एस्केप बटन रहता है, तो उधर से एस्केप बटन दबाते हैं और एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से हम बाहर सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम निकल गए। सो अगर ये टेंडेंसी द बाई एस्केपिंग द शॉर्टकट मेथड की एस्केप कर जाना अगर, या बाहर निकल जाना या छोड़ देना, अगर हमारा टेंडेंसी में बराबर बैठ जाता है, अगर ये हरिनाम लेने के टाइम में हो जाता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट? हमने तो सब कुछ छोड़ के उधर से इधर आने की चेष्टा की है। अगर यहाँ पे हरिनाम के शरण में जो आए हैं, अगर यहाँ पे अगर छोड़ने की हम एस्केप करने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एंड नाउ सिंस ऑल ऑफ अस नोज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान का नाम और भगवान के नाम में कोई कोई अंतर नहीं, तो यहाँ पे अगर हम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए हम क्या, व्हाट इज द प्राइस वी आर गोइंग टू पे। अगर हम यहाँ से हरिनाम करने में या हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अगर हरिनाम लेने में कोई ये कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास क्या उपाय रह गया और व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इससे क्या होता है, दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो देखा गया है, आइदर देयर इज ए कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ द जपा, क्वालिटी हमारा कम हो जाता है, अदरवाइज सेकेंड इज क्वांटिटी ऑफ जपा। धीरे धीरे ये दोनों में फर्क दिखने लगता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज एक्सप्लेन अबाउट 8 चैलेंजेस बेसिकली व्हाट नॉर्मली वी फेस ड्यूरिंग आवर जपा। नॉर्मली सभी को ये फेस होता है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। जब हम जपा करते हैं, हमारा मन पूरे ब्रह्मांड में भटकता रहता है। ये जो मन है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर भगवद गीता में हमने भी सुना है
कि अर्जुन का यही प्रॉब्लम था कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल, वो बोलता है कि मैं वायु के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं आई डोंट हैव ए कंट्रोल ऑन माय माइंड। तो ये माइंड को कंट्रोल करना सबसे तकलीफ हो जाता है, और द मोमेंट वी सिट ऑन द जपा, बस नहा धो के आए और हमारा दिमाग शुरू होता ही वो ब्रह्मांड में भटकता रहता है। सेकेंड इज मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, चला जाता है। हम क्या जपा करते हैं, वी शुड बी एट द प्रेजेंट। ये मन इतना बदमाश है, वो प्रेजेंट में रहना नहीं चाहता है। प्रेजेंट मतलब उपहार, एक्चुअली वी शुड बी ऑलवेज एट द टाइम प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, पीछे चला जाएगा, नहीं तो आगे चलाएगा। आगे क्या क्या प्लान करता रहूंगा, कल कल क्या किया था, ये दोनों स्टेट में रहता है। बट अभी में रहने में उसको बहुत तकलीफ है। कभी कभी तो ऐसे होता है जपा करने के टाइम कुछ दिमाग में आ जाता है तो डिवोटीज, और हम कुछ क्या करते रहते हैं कि अपना कंप्यूटर में नोटपैड में जपा को उधर पॉज किया और नोटपैड में लिख लिया, कहीं गलती से वो जो आइडिया आ गया मेरे दिमाग में कहीं गलती से तो बाद में भूल तो नहीं जाऊंगा, या जपा माला को साइड में रखा और कागज कलम में थोड़ा लिख लिया, बाद में ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट व्हेन वो देखते हैं वो पॉइंट्स व्हिच आर कंप्लीटली यूजलेस, लेकिन हम उसको प्रायोरिटी इतना नहीं दे पाए जपा को और वो पॉइंट को लिखने लग गए व्हिच इज कंप्लीटली यूजलेस। तीसरा है कृष्ण के नाम पर ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ है, मतलब अच्छे से केंद्रित नहीं हो पा रहे। जपा करते करते हरे कृष्ण 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 इतना सुना और बाद में जब तक सुना तब तक हम और कहीं हैं, सो दैट इज वी आर नॉट एबल टू कंसेंट्रेट ऑन मतलब लिसनिंग ऑफ द नाम व्हाट वी आर टेकिंग। नेक्स्ट इज जपा करने में हमें कोई रुचि नहीं है, देर इज नॉट मच इंटरेस्ट, बस हमने बोला गया है जपा करते हैं ले आए सब उठे और वी आर नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन दिस। कभी कभी तो ऐसा था घर में बाकी लोग भी टीवी देखते हैं उनके सामने देखो हाथ में जपा माला ले लिए एंड बस ये कि रूटीन वर्क सोच के उधर कहानी घर घर की चल रही है, क्रिकेट चल रहा है, कुछ नहीं, और वी कीप ऑन हमें लगता है कि हम जपा कर रहे हैं और पता चला कि 20 मिनट के बाद जब उठे तो पता चला एक ही माला भी नहीं हुआ। दिस इज व्हाट वेयर वी स्टैंड एंड ये होता है, अक्सर होता रहता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, कुछ डिवोटियों के साथ होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट इज व्हाइल डूइंग जपा इट इज रियलाइज दैट हम कामुक इच्छाएं भी जागृत हो जाता है, इट्स नॉट ओनली द लॉस्ट डिजायर्स, ऑल ऑफ द डिजायर्स इज बेसिकली इज कंसिडर्ड। तो एक बार क्या होता है, एक एक भक्त आके प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद प्रभुपाद मेरे में ना कोई कामुक इच्छा नहीं है, मैं जपा करते टाइम कुछ इच्छा नहीं होता है, देर इज नो डिजायर इन माई माइंड। तो प्रभुपाद बोलते हैं मुंडी हिलाते हैं और बोलते हैं ओके प्लीज गो एंड शो टू द डॉक्टर, देर इज समथिंग वेरी सीरियस इज प्रॉब्लम इन यू। सो नेक्स्ट इज बेहतर जपा करने, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज प्रेयर, बेहतर जपा करने के लिए हम भगवान के भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, उसमें भी अच्छे से नहीं हो पा रहे, वी आर नॉट एबल टू प्रे द लॉर्ड बिफोर वी स्टार्ट द जपा, हम भगवान का प्रार्थना नहीं करते। और द वन इंपोर्टेंट थिंग अगेन एवरीबडी फेसेस इज लाइक नॉर्मल थिंग, जो कुछ अगर जपा छूट जाता है देर रात में हैंगर कंडीशन में जपा करते हैं तो पूरा दिन का हमने जितना स्ट्रगल जितना फाइट मारा है वो उसके बाद वो सब फ्लैश फ्लैशबैक होता है और बॉडी टायर्ड हो जाता है और उस कंडीशन में हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, ऐसे नहीं है कि सब कुछ आते नहीं रहेंगे, वी आर वेरी यू नो परफेक्ट। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इज एम्फसाइजिंग और बहुत पर्टिकुलरली बोलते हैं चाहे मन आपका भटकता है तभी तो भी जपा करो, चाहे मन आप भगवान के नाम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तभी भी जपा करो, चाहे आपका कोई भी रुचि नहीं है, यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, तभी भी जपा करो। हमें लगता है हम मैकेनिकल जपा कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी भी जपा करो, देर इज नो अदर सोल्यूशन। आपके अंदर कामुक इच्छा आने दो बट फिर भी जपा करो। जपा करने के समय आपको अपराध होता है, दो 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए वो, बट वो भी हमसे अपराध होती है फिर भी जपा करो क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं। भगवान को हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर जपा, और भगवान को हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तभी भी जपा करो। देर रात कुछ जपा छूट जाता है ड्यू टू आवर मेटेरियल कंडीशन एंड आवर डेली लाइफ, तभी भी अगर छूट जाता है छूटने दो बट हमें कंप्लीट करना है और तभी भी जपा करो क्योंकि देर इज नो अदर सोल्यूशन।
तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है, अगर इतना सारे प्रॉब्लम है तभी भी जपा करो और इट्स नॉट गोइंग टू बी सो फ्रूटफुल, तो क्यों करना है, बेटर है कि छोड़ दो। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ऐसे नहीं है, हमें जपा क्यों करना है, चाहे इतना कंडीशन है, इतना प्रॉब्लम है, फिर भी जपा क्यों करना है, क्योंकि ये पवित्र नाम लेने के समान वही कोई व्रत है ही नहीं। अभी जैसे राम रतन प्रभु जी बहुत स्ट्रेसफुल बोल रहे थे, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा था, हमें कुछ ऑस्पिशियस काम करना चाहते हो तो करना तो क्या करना है, वी आर सो मेटेरियली कंडीशन, हमें इतना टाइम नहीं है, हमें कुछ नहीं तो और कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ एक्स्ट्रा राउंड करना चाहिए, बार बार बोला जाता था। नेक्स्ट इज हरिनाम जप करने के बराबर कोई साधना नहीं, देयर इज नो अदर प्रैक्टिस, और ये सर्वोच्च बल देने वाला, बल प्रदान करने वाला उपाय। अगर हम, हमें बाकियों को लगता है कि नहीं लगता है, अगर हम ऑफिस जाने से पहले, दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले, अगर सुबह हमारा जपा कंप्लीट अच्छे से हो जाता है, वी फील वेरी यू नो कंफर्टेबल, हमारा बल आता है, कि डिफरेंट टाइप के एनर्जी आता है, तो वी शुड डू जपा। और भगवान को खुश करने के लिए और कोई तरीका नहीं, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट वे। इसीलिए प्रभुपाद हैज गिवन स्ट्रेस ऑन नाम जपा एंड ही हैज एक्सप्रेस्ड लाइक, हमें ऐसे, हम लोग तो सुबह जपा करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो जपा भी नहीं कर सकते, इसलिए वो नगर संकीर्तन करना चाहिए, रथ यात्रा टाइप बहुत सारी चीजें डाला गया है, सो दैट व्हेन वी डू ऑल दिस आउटसाइड, हम स्ट्रीट में जाके नगर संकीर्तन वगैरह करते हैं, बाकियों को ये जब श्रवण होता है उनका भी शुद्धिकरण होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अगेन बोलते हैं थ्री थिंग्स लाइक शक्ति, मुक्ति एंड शाश्वत जीवन, हमारा भक्त सर्वोच्च जो मार्ग है वो जपा से ही आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा कोटेशन बोलते हैं, नाम जपा कर रहे हैं, ये भक्ति का पराकाष्ठा है, हृदय की आनंदमय प्रवृत्ति है एवं आकर्षण है, तथा परमेश्वर को स्मरण का सर्वोत्तम रूप है। चैंटिंग, सो वी आर लुकिंग फॉर, इफ एट ऑल वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स अदर देन नाम जपा, देन वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर डिवोशनल सर्विस। सो दैट्स व्हाई वी ऑल मस्ट नो, और सबको पता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन जपा। यहाँ पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी ये बोलते हैं, इस कंटेक्स्ट में बोलते हैं, हमारी लाइफ में कितने, हमारे स्पिरिचुअल कितनी प्रगति होता है, इट्स ऑल डिपेंड अपन, ये निर्भर करता है कि हम नाम जपा करने में कितना डिपेंडेंसी है, हम कितना डिपेंडेंट है, हम कितना इसको प्रायोरिटी में रखें। तो अगेन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नामा बिना किछु नाही गुहार 14 भुवन मांझे, मतलब उन्होंने बोलते हैं कि 14 भुवन में देख लिया, हरि नाम के अलावा और कुछ सल्यूशन ही नहीं है। तो हमारे बीच ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने ये जो व्हाट एवर 7 to 8 डिफिकल्टीज वी डिस्कस्ड, शायद उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, आई 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 नो 100% हमारे बहुत, हमारे बीच में बहुत भक्त हैं जिनको नहीं है, लेकिन आई एम द वन ऑफ द कंडीशन सोल, आप मुझे देखते होंगे सुबह मैं कितना स्ट्रगल करता हूँ, कितना फाइट करता हूँ, सो प्लीज प्रे फॉर मी बिकॉज आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आई एम फेसिंग ऑल ऑफ दिस व्हाट एवर द डिफिकल्टीज आई डिस्कस्ड, आई एम फेसिंग ऑल दिस, आई रियलाइज दैट आई एम फेसिंग, आई एम फेसिंग ऑल दिस डिफिकल्टी, सो प्लीज आई आई रिक्वेस्ट, प्लीज प्रे फॉर मी, सो थोड़ा मेरे को एटलीस्ट थोड़ा रुचि आ जाए, मैं थोड़ा भगवान को प्रेयर कर सकूं अच्छे से, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से प्रेयर भी नहीं कर पाता हूँ, सो दैट थोड़ा मेरे को, जहाँ पे जिस स्टेज में हम ज्वाइन किए हैं, जहाँ पे वेयर वी आर, थोड़ा रुचि आए, सो दैट ये एक्टिविटी अच्छे से हो पाए। मेरे बोलने के माध्यम में अगर कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंतकोटिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।